सो बेसिकली आज मैं आयरन और टैलेंट का केमिकल कंपोजिशन के बारे में बताने वाला हूँ। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कंपोजिशन के बारे में और कितना कितना परसेंटेज है, इस वीडियो में आपको पूरा मिल जाएगा, तो आगे देखते रहिए। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो टेबल है टाइपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयरन और पैलेट्स का, तो इसमें हम बेसिकली केमिकल कंपोजिशन यानी केमिकल एनालिसिस के ऊपर ऑन ड्राई बेसिस में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ड्राई बेसिस पे। तो यहाँ पे हमारा यूनिट दिया हुआ है परसेंटेज में केमिकल कंपोजिशन का, और उसके बाद वैल्यू है एंड टॉलरेंस है। सो बेसिकली हम यहाँ पे एफी कंटेंट, एफईओ, सिलिका, एलुमिनियम, सीएओ, एमजीओ, बेसिसिटी, सल्फर, फॉस्फोरस, कार्बन का परसेंटेज के ऊपर एनालिसिस करेंगे। और ये जो हमारा एफी कंटेंट है यानी आयरन और पैलेट में जो हमारा एफी कंटेंट है वो मिनिमम 62% रहना ही चाहिए। उसके बाद हमारा जो एफईओ कंटेंट है वो 0.8% मैक्सिमम रहना चाहिए, और हमारा सिलिका प्लस एल्युमिनियम का परसेंटेज दोनों को ऐड करके हमारा 6.8% मैक्सिमम होना चाहिए। एज ए थियोरिटिकली सिलिका परसेंटेज मैक्सिमम 4.5% एंड एल्युमिनियम परसेंटेज 2.3% होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली उससे थोड़ा ज़्यादा आता है, लगभग 7.5 से लेकर 8% तक। तो इसके बाद हम जानेंगे कैल्शियम ऑक्साइड हमारा आयरन और पैलेट में कितना रहता है। कैल्शियम ऑक्साइड का परसेंटेज मिनिमम हमारा 0.8% रहना चाहिए, इसका जो टॉलरेंस है वो 0.05 होना चाहिए। तो उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो परसेंटेज 0.2% होना चाहिए, और इसका भी जो टॉलरेंस है वो 0.05 का आसपास ही रहता है, और हमारा जो बेसिसिटी है वो 0.18 मैक्सिमम होना चाहिए। इसके बाद हम सल्फर, फॉस्फोरस एंड कार्बन परसेंटेज के बारे में जानेंगे। सल्फर जो है हमारा 0.01 मैक्सिमम होना चाहिए, उसके बाद हमारा जो फॉस्फोरस है 0.05 मैक्सिमम, एंड कार्बन हमारा 0.08, इसका टॉलरेंस 0.01 होना चाहिए। सो इसका नेक्स्ट वीडियो में मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, साइज एनालिसिस एंड मेटलॉजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताने वाला हूँ, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाना।